अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बेटे, चैप्टर नंबर 3 का हम टॉपिक जो है आज डिस्कस करेंगे पीरियड्स का। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर बेटे आप अपनी बुक की बात करें तो बेटे बुक के पेज नंबर 47 पर आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी और बेटे बुक के बेटे पेज नंबर 49 पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। तो बेटे हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में दो तरह के हमारे पास जो है वो लाइनें होती हैं। एक हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रोज, इसको हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं, विच इज नोन एज पीरियड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ पीरियड इज हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इसको जो है वो ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इसको हम बोलते हैं उफकी लाइनें। मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 होता है 9th क्लास का मैट्रिक्स, उसमें पढ़ते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है एलिमेंट्स के उनको हम बोलते हैं पीरियड्स और इनको हम स्टडी करते हैं लेफ्ट राइट। लास्ट टाइम मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि पहला पीरियड हमारे पास स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और एंड होता है हीलियम पर। सेकंड ग्रुप स्टार्ट होता है हमारे पास लिथियम से और एंड होता है हमारे पास नियोन पर। सो द वो हमारे पास एलिमेंट्स जिनको हम लोग जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखते हैं पढ़ते हैं, उन एलिमेंट्स के हम लोग जो है वो लाइनों को हम बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज पीरियड्स। अगर हम बात करें कि नंबर की तो देयर आर टोटल 7 पीरियड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबरिंग हम इनकी टॉप टू बॉटम करते हैं, स्टडी हम इनकी लेफ्ट टू राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है जी के द पीरियड्स आर स्टडी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम पीरियड्स को लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हैं। वाई? क्योंकि बेटे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बेस पर। तो वो हमारे पास एलिमेंट्स जिनको बेटे हम लोग सॉरी बेटे एलिमेंट्स हमारे पास उनको हम एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करते हैं। जैसे हमारा पहला एलिमेंट है सेकंड ग्रुप पीरियड का लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है जी। नेक्स्ट बेटे एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर 4 होगा, वो लिथियम के बाद आएगा। नेक्स्ट इसके बेटे एटॉमिक नंबर 5 होगा, वो बेरिलियम के बाद आएगा। तो एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस दे आर अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच इज नोन एज पीरियड्स। तो बेटे हम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लेफ्ट राइट पढ़ते हैं क्योंकि बेटे इनकी जो अरेंजमेंट है ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर वो लेफ्ट राइट होती है हॉरिजॉन्टल रोज में, इनको हम पीरियड्स बोल रहे हैं। अगली बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है कि जब हम एलिमेंट्स की स्टडी लेफ्ट राइट करते हैं तो लेफ्ट राइट करते हुए स्टडी इनको इनका एटॉमिक नंबर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बात की थी एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस में, जो एलिमेंट्स होते हैं देयर एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। लेट्स से एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 3, द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 4, द एटॉमिक नंबर वेरी नेक्स्ट एलिमेंट मस्ट बी 5, 6, 7, 8। यानी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में एक रेगुलर गैप है और वो गैप किसका है जी 1 का है, कि जितना हमारे पास पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उससे एक ज्यादा हमारे पास अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर तो अरेंज करते हुए मुसलसल इंक्रीज हो रहा है लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती है, वो मुसलसल इंक्रीज नहीं होती, यानी वो मुसलसल सेम नहीं रहती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो कॉन्टिन्यूटी इन देयर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रिसेंट लेक्चर में बेटे हमने एक छोटी सी बात कही थी कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ वैलेंस सेल। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बात आपकी बुक के पेज नंबर 38 पर लिखी हुई है जहां हमने पढ़ा था आइसोटोप का टॉपिक थी कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन आइसोटोप डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेम होगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं जी। पहला हमारे पास बेटा जी एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का, दैट इज लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, अगर हम करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास, एल शेल में इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। अब बेटे किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में पेज 35, 36, 37 पर। तो बेटे आप अगर इसको प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल 1 इलेक्ट्रॉन। थर्ड एलिमेंट इज पोटेशियम, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन। सॉरी बेटे हम लोगों ने बात करनी थी पीरियड की। सेकंड बेटे हमारे पास लिथियम के बाद बेटे एलिमेंट आएगा बेरिलियम, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड बेटे हम एलिमेंट की बात करेंगे बोरॉन की, एटॉमिक नंबर 5, के शेल 2 इलेक्ट्रॉन,
एल शेल थ्री इलेक्ट्रॉन। फोर्थ एलिमेंट पर हमारे पास है पीरियड में भी कार्बन, के शेल टू इलेक्ट्रॉन, एल शेल फोर इलेक्ट्रॉन। तो बेटे आप देख रहे हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, बोरोन से कार्बन, तो एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, यानी इन सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। बात हमने क्या की, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। अगर तो इन सब एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते, वन 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 होता या टू 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 होते, तो इन सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी थी। चूंकि बेटे इस केस में इन एलिमेंट्स के वैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं है, दैट इज वाई विद द इंक्रीज, विद द कंटीन्यूअस इंक्रीज इन देयर एटॉमिक नंबर अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल कंटीन्यूअसली वेरीज। दैट इज वाई वो हमारे पास एलिमेंट्स जो एक ही पीरियड में होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर नहीं होंगी, उनकी मुसलसल चेंज होगी। तो बेटे ये हमारे पास लास्ट पॉइंट का ये मतलब है कि एलिमेंट्स हैव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मुसलसल बढ़ रहा है लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मुसलसल सेम नहीं रह रही, बल्कि चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। तो बेटे हम डिटेल की बात कर रहे थे, बेटे हमारे पास आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर डिटेल लिखी हुई पीरियड्स की। पहले बेटे पीरियड को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, इट हैज ओनली टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल HE होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड हीलियम इज अ नोबल गैस। बेटे अगर आप लोग इस बात को रिमेंबर बेटे रिमाइंड करें तो हमने इस बात पढ़ी हुई है चैप्टर वन पेज नंबर बेटे हमने पढ़ा था इसको 16 पर, बेटे चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर बेटे हमने पढ़ा था 59 पर भी कि नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन नहीं करते, शेयर नहीं करते, बिकॉज देयर वैलेंस आर कंप्लीटली फिल्ड हमारे पास है। तो हीलियम बेटे इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड बोथ कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड बोथ कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ही, एंड बोथ दीज पीरियड आर नोन एज नॉर्मल पीरियड्स। बट इनमें ना एलिमेंट्स बहुत कम है ना बट इनमें एलिमेंट बहुत ज्यादा हमारे पास, दैट इज दे आर नोन एज नॉर्मल पीरियड्स। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड पीरियड, द फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम, टेबल में Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। बट इन सब एलिमेंट्स के नाम और सिंबल मैंने यहां पर लिस्ट कर दिए हुए हैं, आपने कहा इसको नोट करना है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। हमारे पास थर्ड, थर्ड पीरियड में हमारे पास आते हैं जी ऑल्सो 8 एलिमेंट्स, द फर्स्ट एलिमेंट सोडियम, सेकंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बोल लें या एल्यूमिनियम बोल लें, दोनों बड़े प्रोनाउंसिएशन जो है चलती है जी एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम जी एल्यूमिनियम बेटे हमारे पास, सॉरी सिंबल बेटे AL होता है जी सिलिकॉन, सिंबल SI होता है जी फॉस्फोरस, P सल्फर, S क्लोरीन, Cl और आर्गोन AR सिंबल होते हैं हमारे पास। तो सेकेंड और थर्ड एलिमेंट जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके नाम और सिंबल आपको ऑरली याद होने चाहिए, ये बेटे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं पीरियड नंबर 4 और 5 की तरफ। बेटे पीरियड नंबर 4 एंड 5 कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, फोर्थ में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स, दैट इज दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। बेटे हमारे पास कि ना इन बड़े एलिमेंट्स हमारे पास बहुत कम है ना बेटे बहुत ज्यादा हमारे पास है, तो इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल पीरियड से ज्यादा होते हैं, इनको बोल देते हैं लॉन्ग पीरियड्स बोल लेते हैं। इनकी डिटेल वगैरह तो हमारी बुक में नहीं है। इसमें बेटे ये देख लें कि पहले बेटे दो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं पोटाशियम, अगर बेटे पीरियड में 4 की बात करें पोटाशियम, नेक्स्ट इज कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। बेटे अगर आप इन एलिमेंट्स के नाम याद कर ले तो जरा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटे जी मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था कि हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का नाम पूछ लेता है। जैसे बेटे लास्ट टाइम आ गया था जी कि बताएं जो हमारे पास ग्रुप नंबर 11 है उसके फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11 इज
कॉपर। तो कोशिश करें कि आपको हर बटे हमारे पास ग्रुप के पहले, फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट बेरिलियम, थर्ड ग्रुप का पहला एलिमेंट स्कैंडियम, फोर्थ का पहला एलिमेंट टाइटेनियम, पहले ग्रुप के एलिमेंट, सॉरी बेटे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट और हर पीरियड का पहला और लास्ट एलिमेंट का बेटे नाम आपको आना चाहिए फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। बेटे फोर एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स विच इज नोन एज लॉन्ग पीरियड्स, उसको बेटे आपने एज इट इज याद कर लेना। ये बेटे पहले आप फोर पीरियड के एलिमेंट्स के नाम याद भी कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। इनके नाम वगैरह बेटे आप लोगों को जो है वो मैं लिखवा देता हूँ अभी। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है सिक्स पीरियड, सिक्स पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, सेवंथ पीरियड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स बेटे हमारे पास, 32 बेटे एलिमेंट्स। सिक्स और सेवन दोनों बेटे पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, बोथ पीरियड्स आर नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड्स, बेटे इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। सिक्स एंड सेवन बोथ पीरियड आर नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड्स, बोथ कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। अगर बेटे हम लोग बात करें सिक्स पीरियड की, तो बेटे सिक्स पीरियड में एक सबसे अहम बात बेटे ये है कि सिक्स पीरियड में अटोमिक नंबर 57 पर है। अटोमिक नंबर 57 क्या है? अटोमिक नंबर को हम शो करते हैं सिंबल जी से जी। तो बेटे अटोमिक नंबर 57 के बाद इसका नाम होता है लेंथनम, एलिमेंट का नाम बेटे लेंथनम, सिंबल एल ए होता है, नेम इसका लेंथनम होता है। बेटे अटोमिक नंबर 57 के बाद 14 एलिमेंट्स की बेटे सीरीज को, जो बेटे स्टार्ट हो रही है सीरियम, पीआर प्रेसोडाइमियम से बेटे शुरू होकर हमारे पास जाती है एलजी ल्यूटिशियन तक जी। इस बेटे 14 एलिमेंट के बेटे ग्रुप को हमने लेंथनम के बाद उठा के यहां से बेटे हमने नीचे रखा हुआ है। तो चूंकि ये जो 14 एलिमेंट का ग्रुप है ये लेंथनम के बाद शुरू हो रहा है, लेंथनम इसमें शामिल नहीं है, लेंथनम इस 14 एलिमेंट ग्रुप में शामिल नहीं है। ये बेटे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि लेंथनम इस ग्रुप का हिस्सा है। इस ग्रुप जिसको बेटे हम बोले लेंथनाइट सीरीज, जो लेंथनम एलिमेंट के बाद शुरू हो रहा है, लेंथनम एलिमेंट के बाद, आफ्टर लेंथनम, आफ्टर लेंथनम अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट्स का बेटे हमारे पास ग्रुप विच इज प्लेस इट इज लाई बिलो द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड लेंथनाइड सीरीज। दो बातें यहां बड़े आपने कंफ्यूज करनी है। पहली बात उसको हमने सही से समझ लिया बड़े आप लोगों ने, पहली बात कि जो हमारे पास लेंथनाइड सीरीज है इट स्टार्ट आफ्टर लेंथनम, ये लेंथनम के बाद शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम सीई, सीई से शुरू हो रही है जिसका बेटे अटोमिक नंबर कितना है 58, लेंथनम अटोमिक नंबर 57, लेंथनम के बाद और सीरियम से शुरू हो रही है। बेटे हमारे बेटे इस साल बोर्ड में एमसीक्यू आया था जी कि जो हमारे पास लेंथनाइट सीरीज है वो कहां से शुरू हो रही है, सीरियम से बेटे शुरू हो रही है, अटोमिक नंबर 58 से, किसके बाद शुरू हो रही है जी, आफ्टर लेंथनम, एटॉमिक नंबर 57 बेटे हमारे पास है। लेंथनम एलिमेंट लेंथनम सीरीज का हिस्सा नहीं है, तो काइंडली इसको बेटे आपने ध्यान में रखना है। तो बेटे इस 14 एलिमेंट्स की सीरीज को जो लेंथनम के बाद शुरू, इसको बेटे बोलते हैं लेंथनाइड। इसका पहला एलिमेंट सीरियम है, एटॉमिक नंबर 58 है, लास्ट एलिमेंट इज एलयू, इसका नाम होता है ल्यूटिशियम, ल्यूटिशियम बेटे इसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 71 बेटे हमारे पास। और ये टोटल बेटे हमारे 14 एलिमेंट्स हैं। इन 14 बड़े एलिमेंट का ग्रुप कौन सा था, इनका ग्रुप हमारे पास क्या होगा जी 3, पीरियड नंबर 6 होगा हमारे पास। अगर बात करें सेवंथ पीरियड की, सेवंथ पीरियड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स, वेरी लॉन्ग पीरियड। इन सेवंथ पीरियड आफ्टर एक्टिनियम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर आफ्टर एटॉमिक नंबर 89, एलिमेंट का नाम एक्टिनियम, सिंबल एसी। एक्टिनियम के बाद बेटे हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट्स ऑल्सो प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल एंड दिस ग्रुप इज नोन एज एक्टिनाइड सीरीज,
एक्टिनाइड सीरीज। बेटे हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज उन 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है जो बेटे हमारे पास एलिमेंट एक्टिनियम के बाद शुरू हो रहे हैं, यानी एक्टिनियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज इज द फर्स्ट एलिमेंट टीएच, इट्स एटॉमिक नंबर इज 90 एंड इट्स नेम इज थोरियम। एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज इज LR, लास्ट एलिमेंट LR, इसका बेटा नाम होता है लॉरेंसियम, लॉरेंसियम बेटे नाम होता है इसका। एटॉमिक नंबर बेटे इसका होता है हमारे पास 103 हमारे पास। तो बेटे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड किस किस एलिमेंट से शुरू हो रही है और किस किस एलिमेंट के बाद शुरू हो रही है और कहां बेटे खत्म हो रही है, इन सब एलिमेंट्स के नाम उनके एटॉमिक नंबर आप बड़े ऑरली याद होने चाहिए। अब बेटे अगला क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में आया भाई, कि व्हाई लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल। बेटे हमने इन दोनों ग्रुप को दरमियान रखने में बेटे नीचे क्यों रखा हुआ है, इसके दो रीजन लिखी हुई है आपकी बुक के पेज नंबर 49 पर, हेडिंग होगी पीरियड्स की, उसके बाद हमारे पास सेकंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन होगी जी। दो प्रॉब्लम थी कि अगर हम इन दोनों सीरीज को रखें ऊपर तो बेटे हमारे पास टेबल की जो स्पेस है बहुत बढ़ जाएगी, सो ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम जिनमें बेटे टेबल की स्पेस को कम करने के लिए और बेटे टेबल को मैनेजेबल और बेटे प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग बेटे इन दोनों सीरीज को उठा के नीचे लिखते हैं। सो व्हाई लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स प्लेस बिलो टेबल इज बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम एंड टू कीप द टेबल इन अ मैनेजेबल एंड बेटे प्रेजेंटेबल फॉर्म। लास्ट बेटे हमारे पास जो है दो एमसीक्यूज हमारे पास है। पहला बेटे एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि जितने बेटे हमारे पास पीरियड है ऑल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम, कहां से शुरू हो रहे बेटे हमारे पास है? अल्कली मेटल्स, व्हाट आर अल्कली मेटल्स बेटे? पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हम क्या बोलते हैं जी, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। बेटे एक इन एलिमेंट्स में हाइड्रोजन शामिल नहीं है, हाइड्रोजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दी सिक्स एलिमेंट आर नोन एज अल्कली मेटल। हाइड्रोजन मैंने पहले बता चुका हूं आप लोगों को, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बेटे हमारे पास। सो बेटे सेकंड पीरियड कहां शुरू हो रहा है, लिथियम अल्कली मेटल, थर्ड सोडियम अल्कली मेटल, फोर्थ पोटेशियम अल्कली मेटल, फिफ्थ रुबिडियम अल्कली मेटल, सिक्स्थ सीजियम अल्कली मेटल, सेवन फ्रांसियम अल्कली मेटल। सो ऑल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट पीरियड नंबर वन एंड एंड्स कहां जा खत्म हो रहे हैं बेटे? पहला खत्म हो रहा है हीलियम पर, सेकंड नियॉन पर, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टॉन, फिफ्थ ज़ीनॉन बेटे हमारे पास, सिक्स रेडॉन बेटे हमारे पास, जो लास्ट डिजिट इज एंड्स एट ऑर्गेनिसन, द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर स्टेबल, व्हिच हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड। इसलिए बेटे हमारे पास जो है इन एलिमेंट्स को हम नोबल बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते, ये बेटे रिएक्शन नहीं करते। इसको हमने पढ़ा था पेज नंबर 59 पर कि नोबल गैसेस को हम लोग बेटे नॉन रिएक्टिव क्यों बोलते हैं। तो ये बेटे कुछ चीजें हमारे पास है पीरियड से रेलिवेंट। बेटे अब बुक के पेज नंबर 49 को हमें डिटेल से याद करना है, पढ़ना है, कोई बात समझना है तो हमने काइंडली पूछ लेना है। थैंक यू सो मच बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।